हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में 2023 के उन विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं जो 2023 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम समाप्त हो चुके हैं, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे दसवीं और बारहवीं के किसी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप सभी के लिए दो बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा की कॉपियों चेकिंग को लेकर के इस बार शिक्षा मंत्रालय की ओर से सभी कॉपी चेक करने टीचरों को सख्त आदेश दिया गया है। सभी एग्जामिनरों को सख्त आदेश है कि कोई भी एग्जामिनर किसी भी छात्रा को जानबूझकर के फेल नहीं कर सकता है, न ही उसकी खराब राइटिंग की वजह से अधिक नंबर काट भी नहीं सकता है। यानी कि आप सभी उत्तर सही लिखे हो, आप सभी की हैंड राइटिंग खराब है, फिर भी आप सभी को दिक्कत नहीं होगी, आप सभी को पूरे नंबर दिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, सख्त आदेश है, जिससे इस बार छात्रों के परसेंटेज में इस बार सुधार लाने के लिए इस बार बोर्ड ऐसा नियम लागू कर रहा है। जी हां दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट पिछली बार यानी कि हर बार दोस्तों आप सभी का यूपी बोर्ड से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, जिसकी वजह से इस बार यूपी बोर्ड में ऐसा नियम लागू किया गया है कि सभी टीचर जो हैं उनकी खराब राइटिंग की वजह से छात्र अधिक से अधिक नंबर ना काटें। यदि उत्तर सही है, उससे मिलता जुलता उत्तर है, तो आप सभी उस पर पूरा से पूरा नंबर दें, यानी कि पूरी पूरी कोशिश करें कि आप सभी उस पर पूरा नंबर दें। दोस्तों, इस बार सभी टीचरों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि कैसे आप सभी को कॉपी चेक करनी है, कितना उत्तर गलत लिखा है, कितना गलत सही लिखा है, इस पर आप सभी को कितना नंबर देना है। इस बार दोस्तों सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट दोस्तों आता है वह 90% के करीब आता है, यानी कि 90% छात्राओं को उसमें पास हो जाते हैं, लेकिन जो यूपी बोर्ड का आता है उसमें 75% 80% छात्र छात्राएं ही पास हो पाते हैं और बाकी सभी फेल हो जाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा रिजल्ट को सुधार करने के लिए इस बार ऐसा नियम लागू किया गया है, इससे आप सभी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, इस बार यह भी व्यवस्था है कि कोई भी क्वेश्चन सिलेबस के आउट से हो यानी कि बाहर से आया हो, उस पर आप सभी को जैसे फिजिक्स विषय में, केमिस्ट्री विषय में कुछ अंकों के यानी कि 10 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन बाहर से आए थे, तो उन सभी पर सभी छात्रों को एक समान नंबर दिए जाएंगे, यानी कि आप सभी पर उस पर कोई भी नंबर नहीं कटेगा, चाहे आप उस प्रश्न को हल किए हो या नहीं किए हो। दोस्तों, इस बार अच्छी हैंडराइटिंग जिसकी होगी उसको बोनस अंक भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 5 से 10 नंबर यदि आप सभी की अच्छी हैंडराइटिंग है तो उस पर बोनस अंक मिलेगा। और दोस्तों, आप सभी की जिनकी हैंडराइटिंग खराब है तो उन्हें दोस्तों उस पर नंबर दिया जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिया जाएगा, यानी कि उस क्वेश्चन पर एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो को मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है और बिल्कुल सही न्यूज है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लीजिएगा।